ये तीसरी गाड़ी का माल है भाई। अच्छा तीसरी गाड़ी का माल है, तो तीसरी तीसरी गाड़ी तैयार हो रही है, जैसा लोगो है वैसा ही नाम है। अच्छा जैसा लोगो है वैसा ही नाम है। अच्छा कांवड़ यात्रा में कितनी बार जा चुके हैं आप? बढ़िया सा इन्होंने भाई इस पे जो बना हुआ है ना भैया एनिमेशन, काफी अच्छा लग रहा है। तो मतलब कुछ सोच के बनाया था या किस टाइप से बनवाया था ये? बिल्कुल कंस की कोई फोटो है। 2012 से, 2012 से आप काम कर रहे हैं। जैसे टाइम मैंने बताया कांवड़ यात्रा का चलने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है? 16 बेस की गाड़ी लगा रहे इस बार। अच्छा सो फाइनली गाइस वंस अगेन वेलकम है भाई आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पे। गाइस मेरा नाम है राहुल और आप लोग एकदम मेरठ एक्सप्लोर। सो फाइनली गाइस आपको बताया कांवड़ यात्रा का सीजन बिल्कुल पास है और बहुत जल्दी आने वाली यात्रा। तो हम लोग भाई घूमते घूमते आ गए रिस्तल, और रिस्तल में हम आए हमारे कंस डीजे गुज्जर के पास। तो हमारे साथ भैया मौजूद है। तो भैया क्या नाम है आपका? लाला। लाला नाम है भैया का। और भैया कैसे हैं आप? बस भैया। तो भैया का देखो बेसिकली जो है डीजे है कंस गुज्जर के नाम से डीजे है, और काफी बढ़िया डीजे है, रिस्तल में है भैया का, एंड साथ ही में पूरी टीम है। तो भैया आप लोग कैसे? सभी सब बढ़िया है। तो मतलब आप सभी लोग डीजे के साथ ही रहते हैं, भैया के साथ ही? अच्छा अभी अगर मैं बात कर लूँ भैया कांवड़ यात्रा का, जैसे टाइम मैंने बताया कांवड़ यात्रा का चलने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है? 16 बेस की गाड़ी लगा रहे इस बार। अच्छा 16 बेस की गाड़ी लगा रहे। तो भैया बता रहे हैं कि भैया 16 बेस की गाड़ी होने वाली है, और साथ ही मैं आपको बता दें कि भैया लास्ट टाइम गए थे तो वो भी 16 बेस की था। 16 बेस की ही। तो 16 बेस की गाड़ी थी, और मैं आपको बता दूं कांवड़ यात्रा जो है 2022 की है, और आप जाएंगे भाई 23 में। तो भैया कांग्रेचुलेशन है आपके लिए, और काफी अच्छा रहेगा भाई, हम आपको वहीं पे मिलेंगे। और साथ ही में अभी जो हम भाई पूरी थोड़ा बात करने वाले भैया से कि कहां से बुकिंग हुई और क्या हुई है। तो भाई जो जो भी चैनल पर नया हो प्लीज सब्सक्राइब करना। अभी भाई भैया से पूरी डिटेल लेते हैं हम लोग कहां कहां से बुकिंग वगैरह हुआ है। तो लेट्स गो। फाइनली भाई ये रहे हमारे साथ लाला जी भैया। और भैया थोड़ा आप लोग अपना भी नाम बता दीजिए, क्या क्या नाम है? प्रिंस कसारा। प्रिंस कसारा नाम है भैया का? भाई निक्की नाम है भैया का। और आपका? लाला नाम है भैया का। सेम टू सेम दोनों? आपका? अमित। आपका? आकाश नाम है भैया। तो भैया आप लोग सभी जो है मतलब मैनेज करते हो गाड़ी को, आप सभी का काम है। और अभी जो है भाई अभी आप अगर मैं बात करूं, देखो दो गाड़ियां खड़ी हुई है भैया की, जो डीजे की है एक ये रही, और दोनों पे एक जैसे से भी है, वो बना हुआ है क्या? सेम बना हुआ। अच्छा सेम बना हुआ भैया डीजे की गाड़ी पे। और दोनों कितनी कितनी बेस की है वैसे? 8-8 बेस की दोनों। अच्छा दोनों 8-8 बेस की टाटा है अभी, और 8 जो है इनके अंदर एक्स्ट्रा लगाई जाएगी। और भैया जो है हमें भाई थोड़ी वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कराएंगे डीजे की, जो इनका पिछले साल का था, जो मतलब जैसा था कैसा बज रहा था। और अभी जो है भाई देख सकते हैं आप लोग 8 बेस की टाटा खड़ी हुई है। और साथ ही में हम भैया से पूछते हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो कहाँ से जा रहे हैं, पहले तो ये बताइए। दिल्ली से। दिल्ली से जा रहे हैं आप? अच्छा ठीक है। तो दिल्ली से देखिए आपको कंस गुज्जर की जो है गाड़ी देखने के लिए मिलेगी। और अगर किसी को भी बुकिंग वगैरह करनी हो तो आप एक बार अपना नंबर बोल देंगे 9212524242। और बाकी जो है भैया का जो है हम गाड़ी दिखाएंगे कैसी बजे थी, आप लोग वीडियो में चेकआउट करना। और अभी जो है हम थोड़ी पीछे वाली गाड़ी पे चलें क्या एक बार? बिल्कुल। तो एक बार हम पीछे वाली गाड़ी पे आ जाते हैं। और अगर मैं भैया अभी बात कर लूँ तो लगभग आप कितना टाइम से ये काम कर रहे हैं? 2012 से। 2012 से आप काम कर रहे हैं, लगभग 11 साल हो गए आपको काम में। तो काम में तो भैया एक नंबर ही चल रहा होगा, काम सब बढ़िया चलता होगा प्रभु की कृपा से। बिल्कुल। अच्छा कांवड़ यात्रा में कितनी बार जा चुके हैं आप? 10-12 साल होगी, हर बार जाते हैं। अच्छा हर बार जाते हैं, मतलब जब से गाड़ी मिस नहीं हुआ, बस लॉकडाउन की वजह से मिस था, बाकी वैसे कोई मिस। अच्छा लॉकडाउन की वजह से मिस हुआ है बस, उसके अलावा कोई वो नहीं था। और काफी बढ़िया देख सकते हैं आप लोग, ये भी गाड़ी का जो है एकदम बढ़िया सा इन्होंने भाई इस पे जो बना हुआ है ना भैया एनिमेशन, काफी अच्छा लग रहा है। तो मतलब कुछ सोच के बनाया था या किस टाइप से बनवाया था ये? बिल्कुल कंस की कोई फोटो अच्छी नहीं मिली, तो फिर इसके ब्याह पे यही अच्छा लगा हमें। अच्छा मतलब ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा जो है ना एक एग्रेसिव सा दिखा रहा है, मतलब डीजे हाँ भी कुछ है कंस। हाँ तो अभी जो भैया आप जो काम, जैसा लोगो है वैसा ही नाम है। अच्छा जैसा लोगो है वैसा ही नाम है? नाम है, और वैसा ही काम है? वैसा ही काम, वैसा ही काम है भाई, अपने आप में एक ब्रांड है। अच्छा भाई बिल्कुल भाई, अच्छा रिजल्ट भी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा है। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। देखो अगर काम अच्छा करते हो तो दुनिया अपने आप ही भाई बुलाती है। और यही है कि आप भाई फिर से जा रहे हो, काफी अच्छा लगा मुझे सुनकर के आपकी फिर से बुक हुई है टाटा। और अभी जो मैं बात कर लूँ भैया आप जो है ऑफिस वगैरह आप घर से काम करते? हाँ, बिल्कुल घर से। तो भैया देखिए घर से काम करते हैं, रिस्तल से भैया काम करते हैं। और ये जो अभी रखा हुआ है ये क्या सामान? ये तीसरी गाड़ी का माल है भाई। अच्छा तीसरी गाड़ी का माल है, तो तीसरी गाड़ी तैयार हो रही है। अच्छा तैयार हो रही है, चलिए भैया बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और जो है भाई भैया की तीसरी गाड़ी भी तैयार हो रही है, तो तीसरी गाड़ी भी हमें यहीं देखने को मिलेगी? बिल्कुल यहीं मिलेगी आपको। अच्छा और अगर मैं कांवड़ यात्रा की बात कर लूँ तो लगभग कितना टाइम पहले बुकिंग हुई थी? अभी ये होगी करीबन 1 महीने पहले। अच्छा 1 महीने पहले बुकिंग हुई आपकी, और लगभग आप बता रहे 16 बेस जाएंगी, तो टॉप वगैरह 24 टॉप लगाएंगे। अच्छा 24 टॉप लगेगी, और लाइनर वगैरह भी लगाएंगे? 8 लाइनर। 8 लाइनर भी लगेंगे। तो अभी जो भैया आप जो मतलब जो डील करते हैं अभी जितना भी आपका जो सामान लगा हुआ है वो कंपनी में है या किस टाइप से है? भाई मिनीटोन ही चलाते हैं भाई, मिनीटोन चलता है सारा। और अभी जो देखो भैया ने बताया मिनीटोन चलता है, और यहाँ पे जो बेस रखी हुई है क्या? हाँ जी भाई बेस रखी हुई। अच्छा ये सारी बेसिस रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं भैया ने कवर करके मौसम की वजह से। और ये लगभग कितनी बेस होंगी भैया यहाँ पे? 8 बेस। यहाँ पे 8 बेस रखे हुए, मतलब एक गाड़ी का जो है गाड़ी का पूरा माल है सर। गाड़ी में जो है मेनली सिर्फ बेस ही तो लगाई जाती है, बाकी सब तो ऊपर से एड ऑन करा जाता है।
और अगर मैं सेट्स वगैरह की बात करूँ तो आप सेट कौन से यूज कर लेते हैं? प्रोटोन। अच्छा, प्रोटोन यूज करते हैं आप, और प्रोटोन के साथ और कोई भी सीरीज लगाते हैं? सिर्फ प्रोटोन। ऑडियोटोन। ऑडियोटोन। अच्छा, मतलब दोनों में से एक ही वो है, ऑडियोटोन और प्रोटोन। और बाकी आप लोग देख ही सकते हैं गाड़ी काफी अच्छी है, भैया के नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। और हम भाई आपसे मिलेंगे आप सीधा कांवड़ यात्रा में, थोड़ी टेस्टिंग की वीडियो देखते हैं। सो फाइनली भाई ये थे हमारे साथ लाला जी, और काफी अच्छा लगा मतलब इनके साथ इंटरव्यू करके, और काफी कुछ इन्होंने डीजे के बारे में बताया, और अभी जो हम टेस्टिंग भी दिखाएंगे। तो भैया मैं आशा करता हूँ कि हर साल आप बढ़िया तरीके से बुक होकर जाएं और आपका काम ऐसे ही चलता रहे और जबरदस्त तरीके से चले। और 16 बेस का आपने बताया टाटा देखने को मिलेगा, एक्चुअली में क्या है कि हमारे भैया टाटा और कैंटर ही कहते हैं तो मेरे मुंह पे, हाँ मेरे मुंह पे वही रटा हुआ है। नहीं नहीं कोई दिक्कत। हाँ तो अगर आप कुछ कहना चाहें भैया हमारी ऑडियंस से, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? वो कुछ नहीं, ऑडियंस से तो सब भाइयों को बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं। बस प्यार भैया देते रहो, प्यार बना रहे बस प्यार बना रहा है भैया के ऊपर, और हमारे ऊपर भी भाई आशीर्वाद बना रहा है। और बस एक नंबर भाई तरीके से भैया को प्यार दो। धन्यवाद बहुत बहुत। DJ Prince Kasana Ristal.